पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियां मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई ममलकत बनाएं, और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्त शफकत रखें, और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फिलिस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं और आज भी फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान को अजीम बनाएं।